वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडियो बात करने वाले इंस्टाग्राम पर जैसे आप रील्स अपलोड करने के लिए आते हो एंड जैसे आप कैप्शन लिख के हैशटैग लगाते हो वहां पर आपको कुछ इस तरह का एरर शो करता है, यानी कि कुछ बंदे तो 3 हैशटैग से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं या फिर कुछ बंदे ऐसे में जो 5 हैशटैग से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं पर कुछ अकाउंट ऐसे भी देखे गए हैं जो मतलब जो है ना 10 हैशटैग से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग अकाउंट पर अलग अलग एरर शो कर रहे हैं हैशटैग लगाते समय, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, कैसे आप इंस्टाग्राम पर अपनी मनपसंद या फिर मतलब ज्यादा हैशटैग लगा सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी रील्स वीडियो भी वायरल हो, सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होने वाला है, कुछ सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं एंड आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना तभी आपको समझ आएगा। बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताएं मैं चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं। तो गाइस यहां पर सबसे पहले आप लोग करते क्या हो, आप सिंपल इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, ठीक है। जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। एंड यहां पर आप देखिए आज हमारे पास ये आईडी है, यानी कि इस आईडी पर वो सेम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यानी कि सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है इस भाई को, ठीक है। अब गाइस देखिए हो सकता है कि आप किसी ट्रेंडिंग वीडियो पर लिपसिंग वीडियो बनाते हो या फिर यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद की आवाज में वीडियो बनाते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं रील वाला सेशन में आ जाता हूं एंड यहां पर मैं किसी भी ट्रेंडिंग वीडियो पर क्लिक करता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे इस ट्रेंडिंग वीडियो पर रील्स बनानी है, ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आप लोग करते क्या भाई, आप सिंपली यूज वीडियो पे क्लिक करते हो। जैसे आप यूज वीडियो पे क्लिक कर देते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पर आप लोग अपनी रील्स वीडियो बना लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कुछ सेकंड की रील्स वीडियो को शूट कर लिया है एंड उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। यहां पर आपको ओके पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको राइट कैप्शन में यानी कैप्शन लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एबीसी लिख देता हूं, फिर उसके बाद यहां पर आप नीचे की तरफ आते हो, अब यहां पर आप हैशटैग लगा दो, ठीक है। अब आप में से काफी बंदे करते हैं भाई, या तो मतलब यहीं से हैशटैग लगा लेते हैं या फिर यहां पर कुछ बंदे ऐसा करते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद यहां पर मतलब जिस भी तरह की उनकी वीडियो होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम सर्च कर लेता हूं, ठीक है। एंड यहां पर हम फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे, हमने इस वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, यहां पर हमें काफी सारे हैशटैग मिल जाते हैं। तो यहां पर आप में से काफी बंदे ऐसा ही करते हैं, वो सिंपली सिर्फ एक क्लिक में सभी हैशटैग को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद जैसे यहां पर वापस आते हैं इंस्टाग्राम पर, वापस आने के बाद जैसे इन हैशटैग को पेस्ट करते हैं तो उनको यहां पर कुछ इस तरह का शो करता है, यू कैन ओनली ऐड 10 हैशटैग टू ए रील, ठीक है। यानी कि आप में से काफी बंदे ऐसे भी होंगे जिनको यहां पर 3 हैशटैग के लिए बोल रहा होगा, फिर यहां पर 5 हैशटैग के लिए बोल रहा होगा, ठीक है। अब गाइस ये एरर है क्या है, फिर ये प्रॉब्लम है क्या एंड कैसे आपको इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो गाइस देखिए सबसे पहले चीज तो ये कि ये कोई एरर नहीं है, ना ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मतलब ये नया अपडेट आने वाला है, न्यू अपडेट आने वाला है एंड ये अभी टेस्टिंग पर है, ठीक है। इंस्टाग्राम ने कहीं पर भी अपने ऑफिशियल पेज पर भी नहीं बताया कि हम इस तरह का कोई अपडेट ला रहे हैं, लेकिन ये अभी इंडिया में टेस्टिंग पर है एंड ये चीज मतलब अभी कुछ अकाउंट पर हो रही है, सभी अकाउंट पर ये एप्लीकेबल नहीं हुई है, ठीक है। कुछ अकाउंट पर वो टेस्टिंग कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम इस चीज को इसलिए एप्लीकेबल करना चाहता है, यानी कि 5 हैशटैग या फिर 10 हैशटैग को इसलिए एप्लीकेबल करना चाहते हैं क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पर जो है ना मतलब कुछ बंदे गलत हैशटैग लगाते हैं, उल्टे सीधे हैशटैग लगाते हैं एंड मतलब पहले क्या होता था इंस्टाग्राम पर आप मतलब 30 हैशटैग लगा पाते थे, ठीक है, यानी कि 30 हैशटैग लगाते, लेकिन अभी के टाइम में कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो मतलब 10 हैशटैग से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं, फिर 5 हैशटैग से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं या फिर मतलब कुछ अकाउंट ऐसे भी देखे गए हैं जो मतलब 3 हैशटैग से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये भी मतलब टेस्टिंग पर है, ये भी पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है एंड जैसे ही मतलब रोल आउट हो जाएगा सभी अकाउंट पर एप्लीकेबल कर दे जाएगा, ठीक है। ये सब चीज तो आप सुन के आप में से बंदे ऐसे होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन अब हमारे रील्स वीडियो वायरल कैसे होगी, ठीक है। तो गाइस देखिए यहां पर आपको करना क्या भाई, आपको जो है ना अपनी रील वीडियो के रिलेटेड यहां पर आपको हैशटैग लगाना है, ठीक है। यानी कि जिस भी तरह की आपकी वीडियो है, आपने जिस भी नीच पर वीडियो बनाई है, आपको उसी के अकॉर्डिंग यहां पर हैशटैग लगाना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है एंड गूगल पर आने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी लिखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं फनी लिख देता हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लेना जो भी आपकी कैटेगरी होगी। फिर उसके बाद यहां पर आपको हैशटैग लिख देना है, ठीक है। जैसे आप हैशटैग लिख देंगे, आप यहां पर देखेंगे लिख दिया फनी हैशटैग। अब उसके बाद आपको करना है, आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको टॉप में एक वेबसाइट मिल जाएगी बेस्ट हैशटैग के नाम से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको कॉपी पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहां पर सबसे पहले यह देखना है कि आपके अकाउंट में किस तरह का एरर शो कर रहा है, ठीक है। वैसे मतलब वो एरर मतलब कुछ दिन के लिए ही रहेगा, कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, वो अभी टेस्टिंग पर है, पूरी तरह से अभी रोल आउट नहीं हुआ है। लेकिन जब तक भी वो एरर आपके अकाउंट पर है, आपको करना क्या है, आपको मतलब इनमें से जितने हैशटैग आपके अकाउंट पर अलाउ है उतने ही आपको कॉपी करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इस अकाउंट पर 10 हैशटैग अलाउ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली 10 हैशटैग को ही कॉपी कर लूंगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आप अपने हिसाब से इनको सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 हैशटैग मैंने कॉपी कर ली। यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप कॉपी पे क्लिक कर दोगे ये कॉपी हो जाएंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको वापस जाना है इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आने के बाद आपको सिंपली उन सभी हैशटैग को पेस्ट कर देना है एंड जैसे आप इनको पेस्ट करोगे पेस्ट हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अभी पूरे 10 हैशटैग हो चुके हैं, अगर यहाँ पर मैं इनसे अलग एक और हैशटैग लगाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर मैं हैश पे क्लिक करूंगा इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से एरर दे देता है। कुल मिला के आपके अकाउंट पर जितने हैशटैग अलाउ हैं आपको उतने यूज करने हैं, अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग या फिर अपने नेच के रिलेटेड आपको हैशटैग लगाने, ठीक है। अगर आप
इस तरह से अपने रील्स वीडियो को अपलोड करोगे तो 100% आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई, एरर किस लिए आ रहा है या फिर आपको कैसे आपको अपने एरर को हटाना है, फिर अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करना है, सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।